उनको स्वरोजगार कैसे मिले, ऐसी योजना हमने बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का CSR का सहयोग लेके और वहाँ की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी 8 कॉलेजेज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके हमने प्लान किया। उसके आने हर साल कम से कम भी मिलेंगे तो 1000 रोजगार बच्चों को स्वरोजगार अपना काम करेंगे, नौकरी पर नहीं जाएंगे, और अगले 5 वर्षों में कम से कम 5000 युवा नॉर्थ ईस्ट में अपना काम करेंगे, ये नया प्रकल्प है। दूसरा हमने 1,00,000 यूनिट रक्त की मिलिट्री पैरामिलिट्री और सरकारी अस्पताल, क्योंकि रक्त का आजकल बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम सामने नजर आ रहे हैं, हमारी शाखाओं के माध्यम से आवश्यकता अनुसार रक्तदान शिविर लगा के जैसे 100 यूनिट जो रुपये 50 लगा के हम उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा है, 2-3 प्रकल्प है और सभी तो सभी समाज का सहयोग मिलता है, सरकार के पैसे पर हम डिपेंडेंट नहीं है, समाज के साथ हमें मिलता है और पूरा रुपया हम सरकार समाज से लेते हैं उसी प्रोजेक्ट पर खर्च करते हैं और हमारा जो संस्था का खर्चा है हम सब कंट्रीब्यूट करके मेंबर्स उससे चलाते हैं।